उज्जैन पुलिस ने देवास गेट चौराहे स्थित एटीएम से दो संदिग्ध युवकों को फर्जी तरीके से रुपए निकालने का प्रयास करते हुए हिरासत में लिया। उनके पास से 80 एटीएम बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने लाखों की धोखाधड़ी करना स्वीकार किया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने बताया कि पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि देवास गेट चौराहे पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में से दो संदिग्ध युवक रुपये निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने आवश्यक निर्देश देकर नगर पुलिस अधीक्षक हेमलता अग्रवाल के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर द्वारा बताए स्थान के समीप एटीएम पर दो युवकों को एटीएम के बार बार कार्ड लगाते हुए देखा, जिसमें पकड़कर पूछताछ की गई। आरोपियों ने अपना नाम आमिर पिता हसन, वारिस पिता रति होना बताया है। दोनों आरोपियों पर पुलिस ने धारा 420 511 में अपराध पंजीबद्ध किया है। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। इसमें उज्जैन पुलिस द्वारा एक एटीएम फ्रॉड गैंग को पकड़ा गया है। अभी तक दो आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। इन आरोपियों के पास से 80 से ज़्यादा एटीएम कार्ड पुलिस ने बरामद किए हैं। इनने बैंक को जो राशि फ्रॉड करने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल किया है एटीएम में, जिसमें उसका जो पावर सोर्स है एटीएम का, उसको मैनिपुलेट करके ये इस प्रकार से राशि का विड्रॉल करते थे कि ये मैसेज बैंक के पास नहीं पहुंचता था। और इस तकनीक का उपयोग करके इन्होंने एक बैंक की जानकारी जो मिली है पुलिस को, 3.5 लाख रुपये का फ्रॉड अभी तक बैंक के साथ किया है। जो अन्य बैंकों के एटीएम इनसे मिले हैं, पुलिस ने उनसे जानकारी मांगी है कि किस प्रकार से इन्होंने जो फ्रॉड किया उसमें कितनी कितनी राशि इनके द्वारा विड्रॉल की गई है। इसमें मुख्य बात यह है कि जो एटीएम की तकनीक होती है कैश विड्रॉल की, उसमें खामी मिल रही है और ये जो आरोपी हैं उसी तकनीक का इस्तेमाल करके बैंक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसमें जितने भी बैंक हैं उनके द्वारा भी जो तकनीक इसमें इस्तेमाल होती है एटीएम को, उसको और पुख्ता करने की आवश्यकता है। ये जो एटीएम फ्रॉड हैं, पुलिस द्वारा इनको प्राथमिकता पे लिया जाता है। इसकी जो भी शिकायतें आती है या जो एटीएम अलग अलग विभिन्न स्थानों पे बने हुए हैं, पुलिस की टीम उन स्थानों पे भी नज़र रखती है। और उसी क्रम में पुलिस को ये आरोपी मिले हैं जो एटीएम में प्रवेश करके बार बार कुछ वहाँ पे पैसे विड्रॉल का प्रयास कर रहे थे। संदिग्ध होने पर पुलिस ने इनको हिरासत में लिया है और पूछताछ करने पर सारा मामला सामने आया। ये मेवात ज़िले हरियाणा के रहने वाले हैं और वहीं पर ये एटीएम के जो यूनिट्स होती हैं मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग के, उसमें काम भी कर चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।